रही है क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से बड़ी खबर। लोगों के आरोप, विद्यालय में लटका रहता है ताला, सही तरह से नहीं होती पढ़ाई। ग्राम प्रधान और ग्रामीण विद्यालयों के संचालन को लेकर अधिकारियों से मिले, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। स्थानीय लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से संवाददाता धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी शिक्षा का बुरा हाल है। सरकार के लाख शक्ति के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर सरकारी फरमान का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे अध्यापकों पर कोई अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। अभिभावकों के लाख शिकायत के बावजूद किसी की भी सुनवाई नहीं की जा रही है। यह है विकासखंड डुमरियागंज का अमोना पांडे का विद्यालय। विद्यालय पर लटक रहा ताला और अंदर की रक्षा शिक्षा का बीड़ा उठाने वाले जिम्मेदारों की पोल खोल रहा है। संबंधित अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि जिला विद्यालय निरीक्षक को पता ही नहीं है कि स्कूल खुलता है कि नहीं। SBI से पूछने पर वह शिक्षकों की ही वकालत करते नजर आ रहे हैं। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं रहते, आते हैं कभी कभी आते हैं, लेकिन बच्चे ही नहीं इसमें रहते हैं, आते ही नहीं तो कहाँ से पढ़ाई। टीचर ही नहीं है, एक जन प्रिंसिपल आ रहे हैं, वो आते हैं 10 दिन पे, 5 दिन पे, कभी आ गए नहीं तो बंद ही रहता। जब इसे इतना अच्छा सब कुछ बना है, लेकिन बाथरूम सब तोड़ दिए हैं, जब बाउंड्री सोंड्री कुछ ही नहीं है। अरे पढ़ाई भी नहीं होती बरोबर, और जब पढ़ेंगे नहीं, खुलेगा नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं रहेगा तो क्या होगा। अब इसकी शिकायत इसलिए नहीं हम किए, वो मतलब उनसे किए तो वो बोले कि मतलब हम अकेले हैं तो क्या करें, हम कभी मीटिंग में चले जाते हैं, कभी कहीं जाना पड़ता है। तो पांडे पढ़ रहे हैं लड़के, अब लड़के का पढ़ा उसे नहीं तो कब पढ़े। अच्छा मास्टर नहीं आते पढ़ाने? नहीं पढ़ा, वो नहीं आता, फिर अकेले पढ़ जाते ही नहीं पढ़ाओ। कबू कबू आवत है, कबू कबू नहीं, यही करत थी। अब वो जो आवत जो पढ़ा थी अपन दिए, इनकी पास हुई है तो ठीक है, फेल हुई है तो ठीक है। पढ़ाई ज्यादा नहीं होती, मगर पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग घर पर ज्यादा नहीं पढ़ाई करते हैं, क्योंकि स्कूल इतना दूर है, इसलिए हम जा नहीं पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम ट्यूशन कर सके घर, इसलिए स्कूल पर जाते हैं कि हम पढ़े। तो सर नहीं आते थे तो हम घर पर ही जाकर पढ़ाई करते हैं। क्या अमौना पांडे, वहाँ पे राजकीय हाई स्कूल है। वो साल में मेरे ख्याल से 2 या 3 बार खुलता है, उसमें बच्चे हैं और CCTV की निगरानी में एग्जाम होना है। क्या कहना है इसका? नहीं, अमोना पांडे परीक्षा केंद्र नहीं बना है, उसमें पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये साल में 2 साल खुलता है, ऐसा नहीं होगा। वो स्कूल हमारे अधिकारियों से की जाती है, उस पर कार्रवाई के नाम पे कोरा किया जाता है। और टीचर से जब टीचर होंगे, हाँ जब टीचर से बात की जाती है तो टीचर का ये कहना है कि हम मीटिंग में आए हैं। नहीं ऐसा रोज मीटिंग नहीं होती है, हाँ रोज ऐसा मीटिंग नहीं होती है। आपने संज्ञान में लाया तो इसको हम देखवाते हैं। फिर नहीं कार्रवाई, यदि वो नहीं जाती है तो कार्रवाई की जाएगी, उनके लिखा जाएगा। पढ़े नहीं तो परीक्षा के? नहीं नहीं, वो पढ़ाए होंगे, वो अलग से एक्स्ट्रा क्लास भी अपना चला करके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी है, चाहे जो भी टीचर रहे हों तैनात वहाँ। नहीं जब स्कूल बंद है तो कैसे पढ़ाई होगी? नहीं बंद तो वही बता रहे हैं कि हो सकता है कुछ दिन कहीं बीमारी रही हो या कुछ हो, लेकिन रोज रोज बंद नहीं रहता है।